हम लोग पर्सनल लेटर में क्या फॉर्मेट होती है उसको सीख रहे हैं। प्रश्न है, राइट ए लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य में, इस पर आपको अपनी बहन को एक पत्र लिखना है। तो जब हम पर्सनल लेटर लिखते हैं तो फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस को डालें। जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो आपको फ्लैट नंबर 29 है, शारदा नगर और कानपुर में आप रह रहे हैं, तो आपने अपना एड्रेस अर्थात सेंडर एड्रेस लिख लिया। फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर डेट डाली और डेट लिखने के बाद में भी एक लाइन आप छोड़ेंगे। फिर सैलूटेशन के अंतर्गत आप लेटर किसको लिख रहे हैं, टू योर सिस्टर, तो हम लोग लिखेंगे डियर सिस्टर, ये सैलूटेशन आपका हो गया। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर के अंतर्गत कोई भी पर्सनल लेटर है उसको लिखने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें एक लाइन ये याद कर लें जो कि आपके हर पर्सनल लेटर में उपयोगी रहेगी। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू टू, आप भी, विल बी इन गुड स्पिरिट्स देयर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे। यस्टरडे आई रिसीव योर लेटर, फिर बताएंगे कल मुझे आपका पत्र मिला, आई वॉज मच प्लीज टू रीड इट, मुझे इसको पढ़कर बहुत अच्छा लगा। एट दिस टाइम आई एम पेइंग अटेंशन टू माई स्टडीज, इस समय मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। एंड आई प्रोमिस, और मैं आपसे वादा करता हूँ दैट आई विल सिक्योर गुड मार्क्स, मैं अच्छे अंक लाऊंगा या लाऊंगी जो भी। माई एम्बिशन इज टू बिकम डॉक्टर इन फ्यूचर। जैसे एक प्रश्न पूछा गया आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो आपने बता दी मेरी एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा, कि मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा। आई विल वर्क हार्ड टू बिकम अ डॉक्टर, और इसके लिए मैं कठिन परिश्रम भी करूंगा। इसके उपरांत एंडिंग ऑफ द लेटर इस प्रकार से करें, योर रिप्लाई इज ईगरली वेटेड। किसी भी पर्सनल लेटर में आप इस लाइन को जोड़ सकते हैं। और लास्ट में अगर आपने ब्रदर या सिस्टर को लिखा था तो आप लिख सकते हैं, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फादर एंड मदर। और अंत में जो आप डालते हैं, योर्स लविंगली एक्स वाई जेड।